हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माई चैनल छा ट्यूटोरियल। तो इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5B का 12th नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे, और अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो आप झा ट्यूटोरियल पे जाओ, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट बना होगा सारे चैप्टर्स का, बहुत सारे चैप्टर्स का बन गया और आगे बहुत सारे चैप्टर्स का मैं बनाऊंगा, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। और अगर आपको आर एस एक्वल का सॉल्यूशन चाहिए, और आगे हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे काम करने वाले हैं, तो इस सब के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा, उसके बिना नहीं होने वाला। तो देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक मैट्रिक्स ए है डायगोनल 2 - 5, 9। अच्छा, इसका मतलब आप लोग समझे, डायगोनल मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। किस तरह से ए को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 2 - 0, 0 - 5, 0, 0, 9। देखिए ये डायगोनल है ना, तो ऐसे ये डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ऐसे बी को भी हम लोग लिख सकते हैं, कैसे, -3, 7 और 14, मां की जगह 0, 0 डाल दें। ऐसे ही सी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, 4, -6 और 3, मां की 0, 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या कहता है, a प्लस 2b, ये लिख देते हैं 2, 0, 0, 0 - 5, 0, 0, 0, 9। अब बी के सारे, 2b मतलब क्या, बी के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके तो -3 - 2 - 6, ये तो 0 ही होगा, जो 0 से किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होता है, यहाँ भी 0, 0। अब यहाँ 7 - 2 = 14, 14 - 2 = 28, अब सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, जोड़ने के बाद जाएगा यहाँ -4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, अब यहाँ क्या गया -5 + 49, और यहाँ 9, 28, 37। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये भी तो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -4, 9, 37। ठीक है, अब देखिए एक बात हमको यहाँ समझ में आया कि इतना लंबा चौड़ा लिख के कोई फायदा नहीं है। अगर यहाँ से हम सीधे ए के डायगोनल मैट्रिक्स में बी के डायगोनल मैट्रिक्स 2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे तो सीधा ही आंसर आ जाता, ये जो बकवास हमने किया था कोई जरूरत नहीं था। तो आगे वाले क्वेश्चन जो है, यानी कि b + c - a, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट b + c - a, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बी और सी को जोड़ेंगे, ए को घटा देंगे। देखिए आपको दिखाते हैं, -3 + 4 - 2 क्या हो गया, -1, तो यहाँ हो गया -1, तो यहाँ भी दिखना चाहिए, हाँ -1। अच्छा माइनस, देखिए पहले b + c यानी 7 - 6 - 1, और 1 - -5 तो -5 + हो गया, तो यहाँ जाएगा 6। यहाँ देखिए b + c यानी 14, 13, 14, 3 और -9, 8 आ गया, सीधा बन गया भाई साहब, कुछ इतना लंबा चौड़ा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2a + b - 5c। अच्छा, सबसे पहले 2a लिखते हैं डायगोनल, इसके सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, a के सारे एलिमेंट्स को, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 - 10 और यहाँ 18, तो यहाँ जाएगा 4 - 10 और 18 प्लस बी, बी तो एज इट इज लिख देंगे, -3, 7, 14, तो -3, 7 और 14, माइनस डायगोनल ऑफ 5c, 5, 4 = 20, यहाँ जाएगा -30 और यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ लिखेंगे 20 - 30 और 15, और इस दोनों को जोड़ के इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। देखिए बहुत सिंपल है मैट्रिक्स, तो आंसर आ जाएगा आपको 4 - 3 और - 20, तो आ जाएगा आपको -19, यहाँ -10, 7 और -, तो यहाँ आ जाएगा आपको 27, क्योंकि -10 और 7 तो -3 हो गया, और -3 या -9 + हो गया तो 27। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे होंगे। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 18, यहाँ आ जाएगा आपको 17, तो ये रहा हमारा आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 14th नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, x + y और x - y, ये एक मैट्रिक्स है 2×1 मैट्रिक्स, और ये भी 2×1 मैट्रिक्स है, पूछ रहा है x + y का वैल्यू, अगर दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग बोथ, तो क्या पता चलता है, तो पता चलता है x + y 8 होना चाहिए और x - y 4 होना चाहिए कि नहीं।
भाई दोनों मैट्रिक्स बराबर है, दोनों का एलिमेंट भी तो बराबर होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको जोड़ते हैं तो वाई और वाई कट जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, नीचे 2 जाएगा। तो अब इस x प्लस वाई बराबर तो 8 है और x बराबर 6 है, तो वाई कितना होना चाहिए, वाई हो जाना चाहिए 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो ये रहा हमारा आंसर। अब इस तरह देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है दो मैट्रिक्स है, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ, अच्छी बात है लिख देंगे। देखिए तो 2x प्लस 5 को x जीरो जीरो बराबर है, 7 से बराबर है, 2x प्लस 5 जो होगा वो x माइनस 3 होगा, अच्छी बात है। एक काम करते हैं x को उधर ले जाते हैं, यानी 2x माइनस x कर लेते हैं और यहाँ माइनस 3 और माइनस 5 5 को उधर ले जाते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 8। अब इस वाले को और इस वाले को कंपेयर करते हैं तो 3y माइनस 7 क्या हो जाएगा माइनस 5, तो 3y क्या हो जाएगा सोचिए, माइनस 5 प्लस 7 तो 3y क्या हो गया 3y क्या हो गया 2 और फिर y क्या हो गया 2/3। ठीक है अब देख लेते इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन इसका ये है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 इंटू ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स बराबर ये मैट्रिक्स, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा 5 टू 10 7 टू 14 वाई और 2y माइनस 6 होगा कि नहीं, और प्लस में क्या है 3 माइनस 4 1 2। इसको एड जैसे छोड़ देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ क्या 10 माइनस 4 यानी 6, यहाँ क्या 14 प्लस 1 यानी 15 और यहाँ क्या 2y अब माइनस 6 2 तो 2y अब माइनस 4 बराबर क्या, बराबर ये वाला मैट्रिक्स 7 6 15 14, ये वाला टर्म बराबर, ये वाला टर्म बराबर, यानी कंपेयर किसको करेंगे 2x प्लस 3 को 7 से और 2y माइनस 4 को हम 14 से। ठीक है तो करेंगे तो फिर देखिए पहले इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 क्या हो जाता है 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 बाई 2 इक्वल टू 2, x निकल गया। अब इस वाले टर्म को करते हैं तो 2y बराबर 14 प्लस 4 इक्वल टू 18, तो y बराबर क्या हो गया 18 बाई 2 इक्वल टू 9। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 15th नंबर क्वेश्चन, 2 इंटू ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स बराबर ये मैट्रिक्स, तो पहले इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 6 0 2x और ये क्या ये है y 0 1 2 इक्वल टू क्या 5 6 1 8 है। अब क्या करते हैं इसको जोड़ते हैं तो 2 प्लस y हो गया, 6 प्लस 0 तो 6 ही होता है, 0 प्लस 1 1 ही होता है, 2x प्लस 2 हो गया। ये किसके बराबर, ये बराबर है 5 6 1 8, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी बराबर है, तो 2y प्लस 5 2 प्लस y बराबर 5 होगा और यहाँ क्या होगा 2x प्लस 2 बराबर 8 होगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, तो y बराबर तो 3 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 2x बराबर 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, तो x बराबर क्या हो गया 6 बाय 2 इक्वल टू 3। ठीक है और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 6, सिंपल सी बात है। अब देख लेते हैं 16th नंबर क्वेश्चन, फिर वीडियो को पॉज करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आंसर डिस्कस करेंगे। तो 16th नंबर क्वेश्चन ये है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों को फिर से कंपेयर करना है और इसमें x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। देखिए पहले इसको कंपेयर करते हैं इसको और इसको, तो 2y बराबर 4 हो गया, तो y बराबर तो 2 आ गया। ठीक है अब क्या करते हैं x माइनस वाई को इससे कंपेयर करते हैं, तो x माइनस वाई बराबर 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 1 और y कितना निकला था 2, 2 प्लस 1 बराबर 3, तो एक्स वाई निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं इस वाले को इससे कंपेयर करते हैं, ये z है तो 2y प्लस z बराबर 9 है और y तो निकला, ये y कितना है 2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस z बराबर 9, तो z बराबर क्या हो गया 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब क्या करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड निकाल लेंगे, x कितना था 3, y कितना है 2 और z कितना है 5, कितना हो गया 10। तो ये एक्सरसाइज हमारा यहीं पे एंड हो गया। ठीक है अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5C नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।